वहीं हरियाणा में अपने दम पर लड़ी कांग्रेस को हार के बाद आज फिर यह तय हो गया कि मुख्यमंत्री फिर से नायब सिंह सैनी बने रहेंगे। आज विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। मीटिंग में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और विधायक कृष्ण बेदी ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे। इसके बाद बीजेपी विधायक दल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। कल 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। जिस तरह से हमने सारे 9 साल भ्रष्टाचार विहीन, लोकाभिमुख और गरीब कल्याण करने वाली सरकार को आगे, ये सरकार 36 बिरादरियों की होगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। और ये सरकार हरियाणा के हर गांव का विकास करेगी, उसका भी मुझे विश्वास है। हर गांव का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति भी चौबंद रहेगी और भ्रष्टाचार का नाम निशान रहेगा। मैं फिर से एक बार हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि उनके नेतृत्व में भी हम चुनाव लड़े थे और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करे हैं। और नायब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सभी को बधाई, हरियाणा की जनता को बधाई। और नायब सिंह को चुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी मानना है। दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे।